अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय पर्शियन कैट। और आप सब देख रहे हैं गाइस, सुबह के 10 बजे हैं और हम मूवी देख रहे हैं। हमारा नाश्ता भी हो रहा है और मूवी के साथ। भाई ने अपने रूम का डोर बंद कर रखा है और गोलू बाहर इंतज़ार कर रही है। गोलू को एसी में जाना है। अब मैं गोलू की मदद करती हूँ। भाई खोल दो जल्दी से दरवाज़ा, गोलू को अंदर जाना है। और भाई गेट खोल रहे हैं, ये देखिए कोको अंदर। आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, सबकी फेवरेट और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए हमने ले लिए सारी सब्ज़ी और इन्हें वॉश कर लिए। और जो भी सब्ज़ी आपको नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो जो मेन सब्ज़ी थी मैंने वो सब ले ली। सिर्फ हमें मटर नहीं मिला। और इन सबको काट ली है अच्छे से धोकर। उसके बाद आलू मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद सब कुछ कुकर में एक साथ डालना है, नमक डालना है, पानी डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें 2 सीटी ले लेनी है बस, उसके बाद कुछ नहीं। मैंने निकाल लिया था यहाँ पर सामान सारा और सब अच्छे से मैश कर दिया है, देख सकते हैं आप सब। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने लिया ऑयल, थोड़ा सा डाला है कढ़ाई में और सारी प्याज उसके अंदर गोल्डन होने डाल दिए है, होने के लिए जल्दी जल्दी गोल्डन कर लेते हैं। और उसके बाद हमें डालना है टमाटर और लहसुन अदरक और पाव भाजी मसाला, नमक डालकर अच्छे से भूनना है उसको। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ जब तक इसका कलर बहुत अच्छे से ना आ जाए और स्मेल बहुत अच्छे से ना आ जाए। फिर मैंने ले लिया एक प्लेट में थोड़ा सा बटर और उसमें डाल दिया है रेड चिली, कश्मीरी मिर्च। ये कलर के लिए ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आप सब डालें या नहीं, मैं तो ज़रूर डालूँगी। और ये अच्छे से हमारा मसाला भुन गया है और हमारी पाव भाजी इसमें अब ऐड कर देनी है सारी सब्ज़ी। यहाँ मैंने तवे पे बटर लगा के ब्रेड पे पाव नहीं मिला तो हमने ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। और ये गोल्डन हो गया है, देख सकते हैं। ये हमारी तैयार है पाव भाजी। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।